हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब से इतने दिन दूर रहने का एक ही रीज़न है कि लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिन्हें हैंडल करने में बहुत हिम्मत लगता है और हैंडल करते करते बाकी सब भूल जाते हैं। सो 3-4 मंथ्स बैक के अंश का बर्थडे था 16 अगस्त को, और 17 अगस्त को अनफॉर्चुनेटली वो गार्डन में खेलते खेलते स्लाइडिंग से नीचे गिर गया। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी सिचुएशन आएगा, और उसका फेमर फ्रैक्चर हो गया और उसका फेमर बोन जो है वो बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में ऐसे भी सिचुएशन आएंगे। सुख में तो बहुत सारे लोग साथ देते हैं, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देता, और जो साथ देते हैं उन्हीं में भगवान नज़र आते हैं। बहुत ही मुश्किल समय था, 3-4 महीने उसका बेड रेस्ट था, और उसको हैंडल करना और साथ में मेरी प्रेगनेंसी का केयर करना। के अंश के पैर का दर्द इतना ज़्यादा था कि बड़ों को भी अगर हो जाता तो वो मैं दर्द सह नहीं पाते, पर बेचारे ने सब कुछ सह लिया था और रात रात भर सोता नहीं था। और 3-3 दिन में उसका हॉस्पिटल में विजिटिंग था, पर बेचारे ने एक ही जगह पे बैठे बैठे 4 महीने निकाले। अगर कोई बड़े होते तो बहुत ही मुश्किल हो जाता, लेकिन इसने कर दिखाया और अभी उसका पैर बहुत ही ठीक है और चलने भी लगा है। ये वीडियो YouTube पे डालने का एक ही रीज़न है कि बस ऐसा समय भी हमारे ज़िंदगी में आया है और ऐसा समय फिर कभी ना आए। और ये वीडियो देख के मैं वो उसके दर्द को महसूस करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वीडियो अपडेट किया है, और कोई रीज़न नहीं था। और इस तरह उसने 4 महीने बेड रेस्ट के बाद पूरा रिकवरी कर लिया है और अभी बहुत ही अच्छे चलने लगा है। और इस वीडियो में ये बोल रहा था कि मम्मी तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हो जाऊँगा, डॉक्टर ठीक करेगा। बस वही हिम्मत दे रहा था हम लोगों को। सो बेड रेस्ट के बाद उसने किस तरह से रिकवरी किया है उसका ही मैंने वीडियो और दिखाया है। टेंशन दिसको देने ना, टेंशन डॉक्टर दिसको करना निन्ना। जब उसको बेड रेस्ट था तभी उसके एग्ज़ाम्स आ गए थे, तो उसने बैठे बैठे उसने एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर ली थी और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी दिया था उसने। सो उसके पैर में बेल्ट लगा हुआ है ताकि बोन को सपोर्ट मिले, और धीरे धीरे उसके पापा उसको प्रैक्टिस करवा रहे थे चलने का, और उसके दादाजी भी उसको प्रैक्टिस करवाए चलने का। और धीरे धीरे इस तरह से वो ट्राई कर रहा था चलने का, पर उसको इतनी ताकत नहीं है चलने में, उसको दर्द कर रहा था। और ये दिवाली भी उसने इस तरह से मनाया था। फाइनली उसने बेल्ट निकाल के चलने की हिम्मत की, और मेरी मम्मी ने उसे वॉकिंग करवाया, धीरे धीरे चलाया है। और इस तरह उस चलने की प्रैक्टिस की वजह से अभी वो पूरी तरह से अच्छे से चलने लगा है। 4 मंथ्स बेड रेस्ट के बाद रिकवर की जर्नी यही थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।